ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो रीड आउट किया था वो टॉपिक था आपका फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर इसमें हम लोगों ने सेंटर टिप और ब्रिज रेक्टिफायर पढ़े थे, ठीक है। इनकी कंपैरिजन टेबल विद थ्री फेस रेक्टिफायर भी हमने रीड आउट कर ली थी। अभी तक हमने ये बात की है कि जो रेक्टिफायर है वो क्या है, इम्प्योर डीसी दे रहे हैं, इम्प्योर डीसी दे रहे हैं, ठीक है। इम्प्योर डीसी क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि जो रेक्टिफाइड आउटपुट आ रहा है वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो डीसी है वो प्योर इस तरीके से होती है, ठीक है। तो जो ये आउटपुट आया इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि इसमें अभी भी कुछ अनवांटेड एसी सिग्नल्स हैं, एसी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इन कंपोनेंट को फिल्टर आउट करना पड़ेगा और उसके लिए हम फिल्टर्स यूज करेंगे, ठीक है। फिल्टर वैसे भी हम लोगों को पता है, हम नॉर्मल डेज में या नॉर्मल लाइफ में कहीं भी फिल्टर वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटी या थिंग्स को हम अलग करते हैं जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम मीनिंग है। फिल्टर का मतलब ये है कि इस सिग्नल में से जो एसी कंपोनेंट है उनको फिल्टर आउट करेंगे। अगर हम एसी कंपोनेंट फिल्टर आउट कर देंगे तो हमें क्या है, अप्रोक्सीमेटली प्योर डीसी मिल जाएगी, ठीक है। वैसे तो कई सारे टाइप के फिल्टर्स होते हैं, बट आपके सिलेबस में है कैपेसिटर फिल्टर, तो हम नेमिंग तो पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के फिल्टर्स होते हैं, बट जो वर्किंग है वो हम केवल कैपेसिटर फिल्टर की पढ़ने वाले हैं। अब कैपेसिटर फिल्टर का मतलब क्या है, पहली चीज फिल्टर तो है, यानी ये कुछ अनवांटेड सिग्नल को रिमूव करने वाला है, लेकिन इसमें जो कंपोनेंट यूज किया गया वो क्या है, कैपेसिटर। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं फिल्टर क्या होता है, ठीक है। द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर कंटेन्स डीसी कंपोनेंट एज वेल एज एसी कंपोनेंट। इट मींस डीसी कंपोनेंट तो हमें चाहिए चाहिए जो हमने रेक्टिफाई किया है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एसी कंपोनेंट भी आता है, ठीक है। So filters are used to minimize the undesirable AC, that is ripple, leaving only the DC component to appear at the output. तो हम क्या करते हैं, फिल्टर का यूज इसलिए करते हैं जो AC component है उनको हम रिमूव कर सकें और केवल DC component को आउटपुट तक सेंड कर सकें। देखिए, जो हम फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल की बात कर रहे हैं, फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल में क्या है, कंप्लीट साइकिल के लिए हमें रेक्टिफाइड आउटपुट मिल रहा था, यही हमारा आउटपुट है, ठीक है। हमने ये जो रेक्टिफाइड सिग्नल है वो हमने फिल्टर के इनपुट पे दिया, सप्लाई फ्रॉम रेक्टिफायर, ठीक है। आउटपुट यानी इस फिल्टर का जो लोड होगा वो हमें क्या देगा, एक प्योर डीसी देगा, ठीक है। अब हम ये एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि प्योर डीसी देगा, लेकिन आपको पता है प्रैक्टिकली 100% तो कुछ भी नहीं होता, तो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। बट अगर हम आइडियल केस की बात करें तो हाँ, रेक्टिफाइड आउटपुट, रेक्टिफाइड इनपुट से आउटपुट में हमें, फिल्टर के आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, प्योर डीसी मिलेगा। द रिपल इन रेक्टिफाइड वेव इज अबाउट 48%। आपने रिपल फैक्टर पढ़ा था, रिपल फैक्टर वो कितना था, 0.483, ठीक है। तो अप्रोक्स 48% रिपल उसमें प्रेजेंट रहता है फुल वेव रेक्टिफायर, और जबकि आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसमें 1 point something था, ठीक है। देन मेजोरिटी ऑफ एप्लीकेशन कैन नॉट टॉलरेट दिस एंड नीड द आउटपुट टू बी फर्दर प्रोसेस्ड एंड रिड्यूस द रिपल्स। तो हमें क्या है, फर्दर एप्लीकेशंस के लिए इसको रिमूव करना ही पड़ेगा। सो देर आर सम इंपॉर्टेंट फिल्टर्स, एल फिल्टर। एल फिल्टर मीन्स यहाँ जो कंपोनेंट यूज हो रहा है वो क्या है, इंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट यूज हो रहा है, इंडक्टर। एंड सी फिल्टर, सी फिल्टर फॉर कैपेसिटर।
एल एंड सी इट मीन्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर, सी एल सी कैपेसिटर इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये क्या है पाई फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाता है। पाई कैसी होती है, इस तरीके से होता है ना, तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें कैपेसिटर लगा होता है यहाँ पर, फिर इंडक्टर लगा होता है, फिर कैपेसिटर लगा होता है, तो ये सी एल सी टाइप फिल्टर हो जाता है। हम जो ब्रीफ जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना सी फिल्टर। इट इज कैपेसिटर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर और शंट कैपेसिटर फिल्टर विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द लोड एज शोन इन फिगर। देखिए इन सबसे पहले हम एक बात करते हैं, आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता होंगी वैसे, कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो जो कैपेसिटर होता है वो एसी या डीसी इनमें से किसको पास करता है। अगर मैं इस इनपुट इसके इस वाले एंड पर एसी देता हूं और या डीसी देता हूं तो कौन सा सिग्नल यहां से इस कैपेसिटर को पास कर जाएगा, कभी एसी पढ़ा है आप लोगों ने? एसी सर, 1/2 में वो आता है ना, 2πf ऐसे कुछ इसका हो, तो सर ये एसी को पास करता है, डीसी में तो एसी को इनफाइनाइट हो पास जाते करता हैं है और भी। डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। यार कैपेसिटर तो एसी को पास करता है और हमें एसी को रिमूव करना है, फिर हम डीसी को कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए इसका यूज करने का जो मेथड होता है ना उस पर डिपेंड करता है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें हमने क्या किया, इनपुट पर आपका फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट है, सॉरी इनपुट है, ठीक है, और इसके पैरेलल में हमने कैपेसिटर लगाया है, देन आउटपुट हमें किस पे मिल रहा है, लोड रेजिस्टेंस पे। अब ये जो कैपेसिटर है वो पैरेलल में है किसके, इनपुट के और एज वेल एज आउटपुट के। अब क्या होगा, सपोज मैं पहले बात करता हूँ एसी कंपोनेंट आता है अगर, है ना, एसी कंपोनेंट अगर आता है तो वो क्या होगा, इधर जाएगा। अब उसको यहां देखेगा, पहले एसी कंपोनेंट यहां देखेगा कि जो कैपेसिटर है वो मुझे पास होने देगा लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो मेरे लिए क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एसी को कैपेसिटर पास होने देता है, तो इसलिए हमने इसको पैरेलल में लगाया कि अगर एसी आए तो एसी कंपोनेंट पास होके ग्राउंड की तरफ चला जाए, ठीक है। अगर डीसी कंपोनेंट आता है तो डीसी कंपोनेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, पहले देखेगा अरे यार ये तो मुझे बिल्कुल ही ब्लॉक कर देगा, इससे अच्छा तो मैं क्या है रजिस्टर की तरफ चला जाता हूँ, ठीक है। तो डीसी कंपोनेंट यहाँ पास हो जाए, यहाँ आ जाएगा, लेकिन एसी कंपोनेंट इधर आकर ग्राउंड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने जो कैपेसिटर है उसको एसी को फिल्टर आउट करने के लिए यूज किया। अगर सपोज ये कैपेसिटर यहाँ लगा होता तो क्या होता, डीसी ब्लॉक हो जाती और एसी पास कर जाती, तो एसी तो आउटपुट पर आ जाती है ना, और डीसी क्या हो जाती, ग्राउंड चली जाती। तो वो चीज हमें देखना है कि हमें यूज कैसे करना है, इसलिए कैपेसिटर फिल्टर जब यूज हो रहा है तो वो पैरेलल में लगा होगा, ठीक है। यहां पर यही बात लिखी थी, डायरेक्टली अक्रॉस द लोड, द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर इज दैट इट अलाउज एसी कंपोनेंट एंड ब्लॉक्स डीसी, ओके। द ऑपरेशन ऑफ अ कैपेसिटर इज टू शॉर्ट द रिपल टू ग्राउंड। अब इसने क्या किया, जो रिपल यानी एसी कंपोनेंट यानी जो रिपल आया उनको क्या कर दिया, ग्राउंड की तरफ शॉर्ट कर दिया, ठीक है, बट लीव द डीसी टू अपीयर एट द आउटपुट, और जो डीसी कंपोनेंट आया उसको हम इसने आउटपुट की तरफ जाने दिया। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसमें से एसी को फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को समझते हैं, ये इस डायग्राम का जो आउटपुट है या हम कह सकते हैं वेवफॉर्म है वो कैसे शो होंगी। ये जो डॉटेड लाइन आ रही है मैं इसको रेड से शो कर देता हूं, ये जो डॉटेड सिग्नल आ रहा है ये है आपका रेक्टिफाइड सिग्नल जो आपको रेक्टिफायर से मिला है, ठीक है। अब इस कैपेसिटर का क्या रोल है, देखिए वैसे तो ये सारी पॉजिटिव हाफ साइकिल है लेकिन हम इसको इंक्रीजिंग हाफ साइकिल और डिक्रीजिंग हाफ साइकिल मान सकते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव यूज किया है, बट आप कंफ्यूज मत होना कि सर हम तो नेगेटिव साइकिल ले ही नहीं रहे। तो ये जो इंक्रीजिंग पार्ट है ये इनके लिए पॉजिटिव हाफ है और जो नेगेटिव पार्ट है वो इनके लिए नेगेटिव हाफ है, ठीक है। अब जब इस पर सब रेक्टेड
रेक्टिफाइड सिग्नल आया, सॉरी इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ना, यहाँ जब जीरो से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो जीरो से जब मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा और आउटपुट हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है। कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा और यहाँ आउटपुट हमें मिलता जाएगा, क्योंकि हम क्योंकि पहले तो इस पर कोई चार्ज है ही नहीं, इनिशियली कैपेसिटर तो डिस्चार्ज पड़ा हुआ है। तो जब पॉजिटिव साइकिल यानी इंक्रीजिंग साइकिल आएगी तो कैपेसिटर चार्ज होगा और आउटपुट हमें यहाँ मिलता जाएगा। लेकिन जैसे ही ये डिक्रीज होना स्टार्ट होगा या नेगेटिव साइकिल आएगी, उस केस में क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है वो अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। डिस्चार्ज किसके थ्रू करेगा, रजिस्टर के थ्रू करेगा। तो जो वैल्यू जीरो की तरफ जा रही थी ना, उसको ये मेंटेन करेगा, यानी ये कंपनसेट करेगा इस तरीके से, ठीक है। यहां तक तो चार्ज हो गया, फिर जब ये और ज्यादा वापस से जीरो की तरफ जाने लगेगी साइकिल, तो ये कंपनसेट करेगा, यानी इसके आउटपुट को मेंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद चार्ज हो चुका है, तो ये उस टाइम में खुद को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा थ्रू रजिस्टर। अब ये डिस्चार्ज हो गया, वापस से ये उतना टाइम कांस्टेंट इसका होता है कि उतने ये इस पॉइंट पर, इसको बोलते हैं कटआउट पॉइंट, इस पॉइंट तक वापस से जब सिग्नल, ये जो पॉजिटिव साइकिल है ये आएगी, फिर से वापस से ये चार्ज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज करेगा, फिर ये नेगेटिव साइकिल में खुद को डिस्चार्ज करेगा थ्रू रजिस्टर एल। इस तरीके से ये जो मेन आउटपुट आता है वो ये वाला रह जाता है, ठीक है, इस तरीके से आउटपुट रह जाता है। तो जो पहले डीसी इनपुट, जो पहले जो आउटपुट आ रहा था, वो देखिए मोस्टली क्या है, जीरो तक आ रहा था, ठीक है। अब क्या हो गया, इस वाले पॉइंट तक ये लिमिटेड हो गया। अब आप कहोगे सर ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनी, मैंने अभी पहले कहा था कि 100% तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, है ना, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन इस तरीके से इसको बना सकते हैं। वो डिपेंड किस पे करेगा, इस रजिस्टर की वैल्यू पर और इस कैपेसिटर की वैल्यू पर। अगर कैपेसिटर की वैल्यू हाई करेंगे और रजिस्टर की वैल्यू हाई करेंगे, तो ये जो कंपोनेंट है, एसी कंपोनेंट, वो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा। वैसे तो इसके डेरिवेशन होते हैं पूरे, कि कैसे इसका रिपल निकलता है, वो सारी चीजें अपने सिलेबस में नहीं है इतना डीप में, लेकिन फॉर्मूला मैंने कहीं से लिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो कैसे कैलकुलेट हुआ, आईडीसी अपॉन 4√3fc, ये फ्रीक्वेंसी है, ये कैपेसिटेंस है, ठीक है। अगर आईडीसी को हम वीडीसी के टर्म में लिखें तो सिंपल वीडीसी अपॉन आरएल। अब जो वैल्यू आई वोल्टेज की वो क्या होगी, वीडीसी अपॉन 4√3fc आरएल। यानी अभी भी जो कंपोनेंट है, आरएमएस क्या है, एसी कंपोनेंट है ना, तो अभी भी जो कंपोनेंट बचा वो ये बचा है, ठीक है। अगर हम रिपल फैक्टर निकालें तो आरएमएस के रेस्पेक्ट, जो डीसी के रेस्पेक्ट में आरएमएस वैल्यू बची, वो रेशियो हमारा यहाँ पर रिपल माना जाएगा, ठीक है। और वो कितना आ जाएगा, डीसी को इसके डाउन में ले जाएंगे, वीआरएमएस अपॉन वीडीसी, तो वैल्यू क्या बचेगी, 1/4√3fc आरएल। अब देखो, अगर कैपेसिटर की वैल्यू इंक्रीज होती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इस रिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए रिपल को डिक्रीज करने के लिए हम सी और आर एल, यानी कैपेसिटर और रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, जो अभी भी एक कुछ इस तरीके से वेवफॉर्म आ रही है ना, इसको हम और भी स्ट्रेट कर सकते हैं, यानी अप्रोक्स प्योर डीसी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपके, उसी से रिलेटेड था, रेक्टिफायर से।